परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 के पारण की स्थिति में मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सारे साथियों ने चिंता व्यक्त कर दी, इसमें ही हम शामिल हैं भी, नौजवानों के साथ ऐसा गड़बड़ी नहीं हो, पेपर कोई लीक नहीं हो, भर्ती सस्पेंड नहीं हो, और भर्ती जो आगे सरक जाती है, निलंबित हो जाती है, तो उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। हमें तो सरकार से यही इल्तजा करना चाहूँगा, जो ये कानून आपने बहुत ज्यादा कर लिया, इसको बरत के तो दिखाओ, फोड़ सारी भर्तियां जो रुकी हुई है, आप उनका महीने 20 दिन में सबका विज्ञापन जारी करो, ताकि नौजवानों को पता चले कि हमारी मंशा क्या थी। हम मंत्री महोदय कतई ये स्वीकार नहीं कर सकते कि अपने इन पर आरोप लगा दें, ये आप पर लगा दें, हम पर लगा दें। आपने जोरदार कानून लाए हो, और कानून का इंप्लीमेशन का पता तब चल जाएगा जब अपने एक भर्ती और करेंगे, उसका पेपर जब आयोजन होगा तो अपने कानून से लोग कितने डरेंगे, ये इसका पता चल जाएगा। अब छोटा सा निवेदन मेरा एक और है, सारी बातें कर ली सारे साथियों ने, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूं, एक गांव से 100 थानेदार लग जाए, उस गांव में अपने सब सारे भ्रमण करके आओ, उस गांव की मिट्टी उठा के पूरे राजस्थान में छिड़क दो। एक गांव से 100 थानेदार। सभापति महोदय, हकीकत ये है, लोगों ने ये कहा कि तुम बने रहो गांधी जी, तुम बने रहो भगत सिंह, वह लाग गया गामू 100 थानेदार। ये कहा कि तुम मत करो सिफारिश, ये लग गए। इस बात का उत्तर नहीं है सर, कर लो पंचायती, कोई उत्तर नहीं हमारे पास। एक गांव से 100 थानेदार लग गए, ज्वाइनिंग पाएंगे। मैं सभापति महोदय ये चाहता हूं, मेरी पार्टी ये बात चाहती है, इसका नमेड़ करो, वास्तव में गांव जोरदार हो, बच्चे बुद्धिजीवी हैं तो इलिजिबल हो सकते हैं, पोस्टिंग पाए, नहीं तो साहब इसकी जांच कराओ। और ये कानून जो आप लेकर के आयो, उम्मीद करते हैं कि आप आचार संहिता से पहले पहले जो भर्तियां पीछे अटकी हुई है उन सबके विज्ञापन निकालोगे, और जल्दी पेपर कराओगे, और पेपर में बच्चे बैठेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे कानून में मजबूती कितनी। थैंक यू।